तो सोनी वालों के स्पाइडरमैन को ब्लॉक करने से लेकर डॉक्टर डूम के मुक्का खाने तक हर चीज के बारे में बात करी जाएगी, लेकिन आनंद के साथ रोस्ट वर्स। पहली खबर है, विंसेंट डोनोफ्रियो जो कि डेयर डेविल रीबॉर्न अगेन में किंगपिन का रोल प्ले करेंगे, उन्होंने कहा है कि मेरे को यकीन नहीं होता कि डिज्नी वालों ने मुझे इतना सब कुछ करने कैसे दे दिया। ऐसा लगता है कि नेटफ्लिक्स से भी ज्यादा आगे चले गए हैं हम लोग, क्योंकि उनके हिसाब से एक सीन में उनका कैरेक्टर किंगपिन इस सीजन में ऐसा कांड करता है जो उनको लगा ही नहीं था कि अप्रूव होगा, लेकिन फाइनल कट में आ चुका है। मार काट तो पहले भी कर रहे थे, अब पेपर लीक करवाने भी शुरू कर दिए क्या? और इसके ऊपर से हमारे डेयरडेविल बनने वाले चार्ली कॉक्स से जब ये पूछा गया कि आपको फॉगी एंड केरिन के साथ दोबारा मिलके कैसा लगा, क्या केमिस्ट्री जमाने में डिफिकल्टी हुई, तो ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, जो हमारा पहला सीन था वो इतना बढ़िया था कि उसमें एक्टिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है कमीनो। बेसिकली इस वाले सीन में उनको बातचीत के थ्रू पुराने सीजंस की बातें करनी थी, अपने पुराने समय को याद करना था, तो ऐसे रिकैप टाइप का सीन था ये। ऐसे आइडिया भाईजान को दोगे तो हर पिक्चर हम दिल दे चुके सनम ही बनेगी। फिर जेम्स कैमरन अवतार बनाने वाले, जो कि आगे की 4 और 5 बनाएंगे 3 के बाद, तो उनसे किसी ने पूछा कि क्या 4 और 5 को आप ही डायरेक्ट करेंगे, तो उन्होंने इंटरव्यूअर की तरफ देखकर पूछा क्या खा के आया है, अनलेस एंड अंटिल मुझे कोई बस आकर के ठोक दे, अवतार 4 और 5 तो मैं ही डायरेक्ट करूंगा। तो बस समझ जाओ, आपके और अवतार 4 के डायरेक्शन में सिर्फ एक बस का फासला है, अवतार 4 के डायरेक्टर। और इसके भी ऊपर से उन्होंने कहा कि वो एक नए टर्मिनेटर प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं, जिसके बारे में वो कुछ बताएंगे नहीं क्योंकि इट इज क्लासिफाइड। आप क्या नहीं बताओगे, मैं बता देता हूँ, अर्नोल्ड तो आएंगे ही आएंगे, खस्ता है पिस्ता बोलने। लेकिन वही दूसरी तरफ डिज्नी ने HBO वालों के साथ मिलकर एक नया सब्सक्रिप्शन बंडल लॉन्च किया है USA में, और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर आप ये वाला बंडल लेते हो तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। हमारे यहाँ तो ये पहले से ही हो रहा था और आपने छीन लिया हमसे, आपने तो क्या माने, क्या छोड़ देते, मान ही जाते, यहाँ करके दिखाओ अब। फिर इसके बाद इस हफ्ते जेम्स गन ने एक ऐसा ए टाइप का कुछ शेयर कर दिया अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, तो वर्ल्ड वेंट क्रेजी ये सोचकर कि ओ माय गॉड एक्वामैन कंफर्म्ड इन द DCU। भाई एक्वामैन नहीं था, वो आर्गस का नया लोगो है। आर्गस कॉमिक बुक्स में एग्जिस्ट करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो है, मतलब ये कुल मिला के वो MCU की शील्ड की तरह काम करते हैं, सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसी वगैरह वाले चोचले। बड़ा इसको देखकर ये बात कंफर्म हो चुकी है कि इसका लोगो काफी हद तक कॉमिक बुक से रिजेंबल कर रहा है, जिसके लिए जेम्स गन काफी ज्यादा जाने जाते हैं, और उससे भी ज्यादा ये कि पीसमेकर के Season 2 में इसका डेब्यू हो जाएगा, और जिस तरह से इसको दिखाया गया है तो पीसमेकर का Season 2 भी अब DCU में टेक प्लेस करेगा, विच मेक्स थिंग्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। क्योंकि जॉन सीना ने रिसेंटली ये कंफर्म किया जब उनसे पूछा गया उनकी नई मूवी जैकपॉट के लिए कि आखिरकार पीसमेकर का Season 2 आ कब रहा है, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि पहले तो सुपरमैन आएगा, उसके बाद हमारी बात करी जाएगी। एंड इट काइंड ऑफ कंफर्म्स द प्रीवियस स्पेक्युलेशन एज वेल, जब जेम्स गन से पूछा गया तो उन्होंने भी ये कहा था कि पहला प्रोजेक्ट जो है वो सबसे पहले तो सुपरमैन लेके आएंगे, उसके बाद पीसमेकर वगैरह पे बात करी जाएगी, और उनकी शूटिंग की क्रोनोलॉजी में भी वो चीजें वैसी फिट हो जाती है, क्योंकि सुपरमैन की शूटिंग कंप्लीट करने के बाद अब जेम्स गन जंप इन करे हैं पीसमेकर के Season 2 के ऊपर, और वो भी Season 1 की तरफ सारे एपिसोड्स को शूट नहीं कर रहे, उसके 3 या 4 एपिसोड्स उन्होंने शूट करे। लेकिन जैसे मैंने पहले भी बताया कि कुछ वियर्ड शिट इज गोइंग टू हैपन इन दिस सीजन, क्योंकि हम ड्रैगन के एक म्यूरल देख चुके हैं और उसके साथ में एक और मिस्टीरियस सा फिगर भी, तो हो सकता है कि पीसमेकर का भाई हो जिसके बारे में Season 1 में बात हुई थी। और इसके बाद आती है एक बहुत ही मसालेदार खबर, तो आप लोगों ने ब्लू डीमियो के बारे में तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं सुना देता हूं। बेसिकली मून नाइट की राइटिंग टीम में भी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, उसके बाद जो X-Men 97 अभी आया था उसके 2 सीजन इन्होंने लिखे हैं। इन अ वे ब्लू डीमियो वॉज द वन जिसने X-Men 97 को पूरी ग्राउंड अप से रिवाइव किया था, एंड जिन्होंने भी ये शो देखा है उनको पता होगा कि कितने तगड़े लेवल का काम किया उन्होंने। बट फिर उसके बाद खबर सुनने को मिलती है कि बंदे को फायर कर दिया गया है। नाउ डिज्नी की तरफ से ये चीज थोड़ी सी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि ये बंदा LGBTQ कम्युनिटी को बिलोंग करता है, तो इस वजह से ये इनके क्रू में डाइवर्सिटी को भी लेके आता था, और फिर जब इसको फायर किया तो उन्होंने कोई भी रीजन नहीं दिया, डिज्नी गेव नो रीजन एट ऑल। लेकिन फिर उसके बाद स्टार्ट हुई स्पेकुलेशन की खेती, क्योंकि लोगों को ये पता चला कि व्यू भाई साहब जो है वो अपना सिर्फ पंखे का अकाउंट चलाते हैं, और वो भी काफी ओपनली, तो मार्वल का ऑब्वियसली ये रीजन तो नहीं हो सकता था। फिर इसके बाद और भी डीप डाइव किया गया, और रिसेंटली व्यू भाई साहब ने एक इमेज पोस्ट कर दी साइक्लॉप्स बनकर अच्छा पोज में, तो फिर प्याज की परतें अलग होना शुरू हुई, और हमको पता चला कि बंदे ने काफी ज्यादा मिसकॉन्डक्ट किया था जब वो एक्चुअली X-Men 97 पे काम कर रहे थे। कुछ लोगों को अपनी अलग अलग इमेजेस भेजी थी X-Men कैरेक्टर्स के फॉर्म में, और उससे कहा था कि इससे इंस्पिरेशन ड्रॉ करके बनाओ, और जब डिज्नी मार्वल ने उनको फायर किया था तो उनके बीच में यही अग्रीमेंट हुआ था कि दोनों एक दूसरे के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, और वो मार्वल का नाम अपनी पूरी जो भी चीजें वो कर रहे हैं उससे बाहर रखेंगे। बट रिसेंटली उन्होंने जो अभी इमेज पोस्ट कर दी है एज ये अदनंगा साइक्लॉप्स, तो मार्वल तो ऐसे छोड़ने नहीं वाला आई थिंक।
लेकिन जो कुछ भी होगा हम एक एक चीज की तह तक पहुंचेंगे और आपको आनंद के साथ पहुंचा आप बैठे रहो, ना तो आप वो वाले साइक्लॉप्स हो ना तो ये वाले, सारी की सारी खबर मिलेंगी आपको रोस्टवर्स पे। लेकिन इसके बाद ये पता चला है कि एक्समैन वाले ब्लॉब की एक मूवी पे काम कर रहे थे। जी हाँ, अगर आप भूल चुके हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, ये वही कैरेक्टर है जिसको हमने एक्समैन ओरिजिन्स वोल्वरीन में 3 मिनट के लिए एक बॉक्सिंग रिंग के अंदर देखा था और उससे पहले पता नहीं कब। एक बार सोच के देखो कि आपको किस लेवल तक झुकना पड़ेगा उस कैरेक्टर के ऊपर पिक्चर बनाने के लिए जिसका कॉमिक बुक्स में एग्जिस्टेंट एक्चुअली बिल्कुल ही नॉन एग्जिस्टेंट है। कौन कर सकता है ये? किसी और ने सोचा भी होगा? किसी और ने सोचा तक नहीं होगा ये। लेकिन क्योंकि अब फॉक्स के एक्समैन आ चुके हैं मार्वल के पास, तो उन्होंने एक्समैन मूवी के लिए शायद अपना डायरेक्टर ढूंढ लिया है। और इस बात को लेकर अभी फिलहाल कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट ही कुड बी नन अदर देन मुफासा के डायरेक्टर बैरी जेनकिंस। और हालांकि इस बात को लेकर अभी फिलहाल कोई भी कंफर्मेशन नहीं, जो आता भी नहीं, कभी भी नहीं आता, लेकिन फिर भी ऐसा सुनने को मिल रहा है कि ये अगली एक्समैन मूवी को डायरेक्ट कर सकते हैं। एंड कंसिडरिंग कि इन्होंने पास्ट में कुछ अच्छी अच्छी पिक्चरें डायरेक्ट करी हैं, स्पेशली मूनलाइट जैसी, तो मार्वल इनके बारे में सीरियसली सोच सकता है। फिर दूसरी तरफ सोनी वालों का ये कहना पड़ता है कि क्रेवन के डिले की वजह से उन्होंने काफी सारे रीशूट्स करे और अब उनको एक टाइट प्लॉट मिल चुका है, जिस वजह से वो इतने ज्यादा इंप्रेस्ड है इस मूवी के साथ में कि उन्होंने इस मूवी के डायरेक्टर जेसी शैंडोर को एक और अलग मूवी देने का फैसला कर लिया है। नहीं नहीं, ये स्पाइडरमैन सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स का पार्ट नहीं होने वाली है, ये कोई मर्डर मिस्ट्री होगी, बट उनको इस डायरेक्टर पे अपेरेंटली इतना कॉन्फिडेंस है, ये बोल के डकोटा को भी फंसा लिया था इन्होंने। फिर इसके बाद रिवरडेल में वेरोनिका का रोल प्ले करने वाली कैमिला मेंडेस ही मैन की मूवी में टीला बनती हुई दिख सकती हैं। और अगर आप नहीं जानते तो इस मूवी पे काफी लंबे टाइम से MGM स्टूडियोज वाले काम कर रहे हैं। इससे पहले भी इसको प्लान किया गया था, बट देन ये मूवी पूरी तरह से रीबूट करके कैंसिल कर दी गई। फिर इसको एनिमेशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज करी गई, बट अब फाइनली ये लोग एक बार फिर से लाइव एक्शन पे आकर ट्राई करना चाहते हैं और इसमें ही मैन का रोल प्ले करेंगे निकोलस गैल्टजिन। आई होप मैं उनका नाम गलत प्रोनाउंस नहीं कर रहा, बट ही मैन के लोर को कंसिडर करते हुए मूवी में पोटेंशियल है, अगर वर्क कर जाती है तो MGM वाले जेम्स बॉन्ड के अलावा भी कुछ कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हर हफ्ते बोलता हूं लेकिन फिर से आ जाता है साप्ताहिक डेडपूल सेगमेंट, शायद अब आखिरी होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। तो डेडपूल एंड वोल्वरीन जो है वो बन चुकी है अभी तक की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली आर रेटेड मूवी। इससे पहले तक जोकर थी जिसको इस हफ्ते इस मूवी ने डीथ्रोन कर दिया एंड भयानक चल रहा है काम। बट उसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि इस मूवी के लिए इन लोगों ने बेन एफ्लेक के डेयर डेविल को भी प्लान किया हुआ था। पिछले हफ्ते हम लोगों ने निकोलस केज के गोस्ट राइडर की बात सुनी थी, अब बेन एफ्लेक के डेयर डेविल का भी सुनने को मिल रहा है। कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किया गया था जिसमें डेयर डेविल, वुल्वरीन और बाकी सारे के सारे अदर्स की जो टीम है ये सब लोग मिलकर के और भी डेडपूल कोर का सामना कर रहे हैं। एंड जब ये लोग इसको लिखने बैठे तो उन्होंने मार्वल मूवीज, जो पुराने टाइम की मार्वल मूवीज आई हैं, उसमें जितने भी कैरेक्टर्स अपियर हुए हैं उनको नोट डाउन किया और सोचा कि ये लोग कैसे मूवी में अपियर हो सकते हैं। बट दे ग्रेजुअली रियलाइज कि सबको एक साथ लेके आना तो मुमकिन होगा नहीं, तो इसी वजह से उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स को रोक लिया है, होपफुली सीक्रेट वॉर्स के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि RDJ का डॉक्टर डूम जो है वो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में हमको देखने को मिलेगा, और इतना ही नहीं ये एक्चुअली में इसी यूनिवर्स का डूम होगा, विच प्रिटी मच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने हमारे डूम्सडे वाले वीडियो में भी बात करी थी कि अगर डॉक्टर डूम और रीड रिचर्ड्स एक ही यूनिवर्स में बिलोंग करेंगे तो उनके बीच में हिस्ट्री होगी, हिस्ट्री होगी तो राइवलरी होगी जिसको एक प्रॉपर तरीके से सेटअप किया जाएगा और तभी उसको देखने में मजा आएगा डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में, और तभी तो भाई साहब सामने वाले की पत्नी पे डोरे डाल सकेंगे। लेकिन ये फैल का मेरा मतलब है कैप्टन अमेरिका के अलग मुंगेरी लाल के सपने चल रहे हैं, क्योंकि एंथनी मैकी से किसी ने पूछा कि आपका डॉक्टर डूम RDJ वाले पूरी चीज के बारे में क्या ख्याल है, कह रहा मेरी फाइट करा दो, I want to punch him. सिविल वॉर में तो लड़ नहीं पाए तुम आयरन मैन से, अबे डॉक्टर डूम बन के आ रहा तो मुक्का, वहां तक पहुंच जाना बहुत बड़ी बात हो जाएगी उसके पास। लेकिन सोनी वाले अपने मास्टर प्लान के साथ आ रहे हैं, क्योंकि अब मुझे समझ में आने लगा कि ये स्पाइडरमैन के सुपर विलनों पे पिक्चर बनाए क्यों जा रहे हैं, और उसका कारण है ब्लॉकिंग। बेसिकली ऐसा पता चला है कि सोनी वाले अगर किसी भी स्पाइडरमैन के कैरेक्टर पे उठा करके मूवी बना दे तो उसको मार्वल स्टूडियोज इस्तेमाल नहीं कर सकता अपनी स्पाइडरमैन या अपनी किसी भी मूवी में। एंड आई नो सोच के लग रहा हूँ कि मॉर्बियस और मैडम वेब किसको ही चाहिए, लेकिन केमिलियन, राइनो, क्रेवन इनकी तो जरूरत पड़ेगी, और जब पड़ेगी तो उस पे और भी पैसा कमाएंगे ये लोग, रामी पने की भी हद होती है भाई। मतलब यू सी हाउ इट गोज, अगर इनको स्पाइडरमैन की मूवी बनानी है तो सोनी के साथ में मिलकर साठगांठ करनी पड़ेगी, जिसका पैसा सोनी वाले कमाएंगे, उसमें अगर इनको क्रेवन या वेनम या केमिलियन या राइनो जैसा कोई विलन लेके आना है जो अभी तक किसी भी स्पाइडरमैन मूवी में नहीं आया, तो उसके लिए भी इनको सोनी वालों के साथ साठगांठ करनी पड़ेगी और शायद उसके लिए और भी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े।
बादल को बिठा रखा है क्या बिजनेसमैन की चेयर पे? बट दिस इज नॉट वेयर द स्टोरी एंड्स। ऐसा सुनने में आ रहा है कि स्पाइडरमैन 4 जो काफी आगे तक अपनी स्क्रिप्टिंग की स्टेजेस में पहुंच चुकी थी और ऐसा सुनने को मिल रहा था कि अगले साल उसकी शूटिंग वगैरह स्टार्ट हो भी जाएगी, उसमें एक बार फिर से ब्लॉकिंग वाला एंगल आ चुका है, क्योंकि अब सोनी वाले एक बार फिर से अपने मनमर्जी के घोड़े दौड़ाने शुरू कर चुके हैं। और जो स्पाइडरमैन 4 सबसे पहले इंसेप्ट करी गई थी कि वो एक ग्राउंड लेवल की स्टोरी टेलिंग होगी, क्योंकि अब ट्रिलॉजी खत्म हो चुकी है तो हमको पीटर वो एशेस से निकला हुआ फीनिक्स की तरह दिखा, गलत एग्जांपल दे रहा हूं, बट मेन मुद्दा यह है कि स्पाइडरमैन 4 जिस तरह से पहले इंसेप्ट करी गई थी अब उससे कंप्लीटली डिफरेंट मूवी बन चुकी है। और अगर सोनी वालों ने इसमें अपनी टांग हाथ मुंह शरीर पूरा का पूरा फंसा दिया जो फंसाने के लिए जाने जाते हैं, तो फिर इसको स्पाइडरमैन नो वे होम 2.0 ही समझ लेना, क्योंकि उनको तो वही चाहिए मल्टीवर्सल एलिमेंट। और ऊपर से बोलेंगे अब आरडीजे का डूम आ रहा है तो वो भी ले आओ इसमें, नहीं तो मार्वल वाले तो इसमें डेयर डेविल और पता नहीं कौन कौन से ग्राउंडेड लेवल सुपर हीरोज लेके आते, किंग पिन के साथ उसका थोड़ा बहुत एंटी वेंटी दिखाते और फिर उसको अलग तरीके से बिल्ड करने का प्लान करते, विच आई थिंक वॉज अ वेरी गुड आइडिया, बट अब पता नहीं क्या होगा। और देखो सोनी वालों ने तो स्पाइडरमैन को ब्लॉक कर दिया, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी क्रश आपको ब्लॉक ना करे या फिर अनब्लॉक कर दे तो वीडियो को लाइक करो,